प्यारे साथियों, कैसे हो? महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हालांकि ट्रांसलेशन पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप सीखे भी हो, लेकिन आज के वीडियो में एक खास बात है। आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एसटीओ फॉर्मूला से सीखेंगे। अब ये एसटीओ फॉर्मूला क्या है? बहुत शानदार फॉर्मूला है। अब तक जो नहीं सीखे, आज के वीडियो से वो भी चल पड़ेंगे, सीखना शुरू कर देंगे। आज का वीडियो समर्पित है खास रूप से उन लोगों को, उन व्यूवर्स को, जिनके कमेंट में एक ही बात लगी होती है, सर इंग्लिश नहीं आती, कैसे सीखें? तो भैया, अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो आप भी चल पड़ोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ ना, सिखा के छोड़ूंगा, अगर वादा किया है तो पूरा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, जानकारी ये है। देखिए, ये तो एक बेसिक लर्नर्स के लिए ट्रांसलेशन का वीडियो है, उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, मतलब खोजना आ जाएगा चीज़ों को और वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस, और आप चाहते हो कि आपको सिक्वेंस में सारे टॉपिक्स एक साथ एक जगह मिल जाए, हालांकि यूट्यूब पर भी हैं पर सिक्वेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? आप ही नहीं रहने देते, आप लगातार कमेंट करते हो, सर इस पर वीडियो बनाओ, इस पर बनाओ, तो हम रैंडमली टॉपिक्स को डाल देते हैं। लेकिन यदि आप सिक्वेंस में सारे टॉपिक्स चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को, सारे ग्रामर को सीक्वेंस में वन बाई वन करके कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, थोड़ी मेहनत लगी है, थोड़ी फीस तो बनती है, तो नाम मात्र की फीस है। यदि आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। आज का वीडियो बहुत शानदार है बेसिक लर्नर्स के लिए जो बिल्कुल शुरू होना चाहते हैं। तो देखिए एसटीओ फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, एसटीओ फॉर्मूला का मतलब होता है, एस का मतलब सब्जेक्ट, टी का मतलब टेंस, ओ का मतलब अदर वर्ड्स। यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर आपने तीन चीज़ें निकाल ली तो फिर आपकी ट्रांसलेशन आसान हो जाती है। अब इन तीन चीज़ों को निकालना एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे देखिए, मेरे दोस्त रोजाना मेरे घर आते हैं, ये हिंदी है। इसकी ट्रांसलेशन के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले मिल ही जाता है। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होता है। क्यों? सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वो चीज़ होती है जो कुछ करता है, यानी जो एक्शन करता है, काम करता है, या जिसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसे देखिए, मेरे घर कौन आते हैं, मेरे दोस्त सब्जेक्ट हुआ। एक सेंटेंस है, रोहित मेरा दोस्त है। अब इसमें रोहित ने कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन रोहित के बारे में कुछ बताया गया, तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जो कोई काम करे वो सब्जेक्ट होता है, और वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है। उसके बाद देखिए, रोजाना मेरे घर, अब रोजाना मेरे घर क्या है, ये क्रिया नहीं है, ठीक है, ये टेंस नहीं है, ये अदर वर्ड है। तो हिंदी में तो अदर वर्ड सब्जेक्ट के बाद आते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये सबसे लास्ट में आते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद टेंस आता है। अब टेंस कहाँ होता है, आज का वीडियो का मकसद यही है, आपको बताना कि टेंस कहाँ मिलेगा। बहुत इजी है। तो देखिए, आप पढ़ते रहिए, मेरे दोस्त सब्जेक्ट हो गया, रोजाना मेरे घर आते हैं, जहाँ से कोई एक्शन की शुरुआत हो जाए, किसी काम के बारे में बताया जाए, आना जाना, खाना खेलना, उठना बैठना फिरना, ये सभी काम है। तो जहाँ से हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड मिले जहाँ से आपको काम होना दिखे, वहाँ से टेंस की शुरुआत हो गई और वो अपना टेंस वाला पार्ट हो गया। और जब आप ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में तो टेंस सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो चलो अपन ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। मेरे दोस्त कौन हुआ? माई फ्रेंड्स। थोड़ा ध्यान और दिया करो, देखो ये माई फ्रेंड्स होगा, ना कि फ्रेंड। मेरे दोस्त आते हैं, मतलब एक नहीं है, ज़्यादा है, तो ये फ्रेंड्स है। अगर होता मेरा दोस्त रोजाना मेरे घर आता है तो फिर ये माई फ्रेंड होता, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखा करो। तो माई फ्रेंड्स कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में टेंस। अब टेंस कहाँ मिला हमें? आते हैं। अब आते हैं कि इंग्लिश अगर हमने सही लिख दी तो हमारा सेंटेंस 90% करेक्ट है, क्योंकि अदर वर्ड, देखिए इस वीडियो का मकसद, आप सब्जेक्ट और अदर वर्ड पे फोकस मत करना, आप टेंस पे फोकस करना कि टेंस कैसे ढूंढें और उसको सेकंड नंबर पे करेक्ट कैसे लिखें। अब देखिए, करेक्ट आप एक वीडियो से नहीं सीख सकते, लेकिन आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के बाद, आप टेंस पे फोकस करोगे। टेंस पहचानना मैं सिखा दूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा वो तो मैं करता ही हूँ यार, एक वीडियो में काफ़ी चीज़ें दे देता हूँ, कोशिश करूंगा आपको काफ़ी मैटर दे दूँ। तो देखिए, माई फ्रेंड्स, अब आते हैं कि अंग्रेजी हो गई कम, ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी सकारात्मक हो, और उसमें ऐसे वर्ड आए, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई ना, नोट कर लो। यदि किसी सेंटेंस के अंत में आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे वर्ड आए, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इसी में हमारा टेंस कवर हो गया। टेंस को कवर करने वाली चीज़ें दो तीन हो सकती है। देखो, हेल्पिंग वर्ब,
प्लस मैन वर्ब, ठीक है, इससे टेंस कवर होता है। मतलब टेंस जब मैं बोल रहा हूं टेंस, तो आपको ये चीजें लिखनी है, या फिर केवल मैन वर्ब से भी ये कवर हो जाता है। जैसे देखो इसमें हो गया केवल मैन वर्ब, अब है कि अंग्रेजी इसी में आ गई, कम मतलब आते हैं पूरा हो गया। ऐसा मत समझना, बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जहां है हूं है आ गया वहां पे इज एम आर ही आएगा, ऐसा नहीं होता। यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये पूरी कंप्लीट ही आते हैं बोल रही है। हाँ, आपको इज एम आर चाहिए ना, आ सकता था, कब आ सकता था, मेरे दोस्त रोजाना मेरे घर आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब वाला फॉर्मूला चलेगा, आ रहे हैं के लिए आएगा यहां पे, चलो यहां तो छोड़ो, यहां लिख देता हूं आर, और आने के लिए कमिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों आती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मैन वर्ब आती है, वही हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी उसी में टेंस छिपा होता है। जब मैं बोलता हूं टेंस, तो मैं दो चीज बोल रहा हूं, टेंस मतलब समय। देखिए कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें एक्शन हो ना हो, लेकिन टेंस जरूर पाया जाता है। टेंस मतलब काल, यानी जो भी आप बात बता रहे हो, एक्शन या कोई जानकारी, उसका समय, समय मतलब टेंस। और टेंस मोस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब से बताया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है वो टेंस का नेचर ही ऐसा है कि उसमें जो मैन वर्ब है ना वही टेंस भी बता देती है। जैसे ये बता दिया माई फ्रेंड्स कम, मेरे मित्र आते हैं, अब और इसमें देखो आ रहे हैं तो आर कमिंग, अब यहाँ पे आना तो बताया कमिंग ने और समय बताया आर है ने, तो है ने क्या बताया टेंस, इसने बताया काम, यहाँ पर कम ने दोनों चीज बता दी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा एक खास बात और देखिए, इसमें पूरा ही कर दूं, या तो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी दो वर्ड की हो सकती हैज बीन कमिंग, हैज बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब भी टू वर्ड की हो गई हैज बीन, ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा मोस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, इसके अलावा केवल मैन वर्ब भी हो सकते हैं, ऐसा सिर्फ दो ही टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा वाला देखो, रोहित मेरा दोस्त है, तो इसमें देखिए रोहित मेरा दोस्त है, अब हमें इसमें से टेंस को खोजना है। तो देखिए रोहित मेरा दोस्त, दोस्त तो टेंस होता नहीं, क्यों, टेंस कहां से शुरू होता है, जहां से काम शुरू हो, मतलब कोई एक्शन मिले, आना जाना खाना खेलना है ना, इस तरह से। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं, इसमें देखो पढ़ना है, आना है, जाना गया है ना, जाएगा है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर टेंस यहीं पे है, ध्यान रखना अंतिम वर्ड ही टेंस होता है, वही हमें समय का पता बताएगा। देखिए एक खास बात, इस बात को नोट कर लेना, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें टेंस तो जरूर होगा, भले एक्शन ना हो पर टेंस तो जरूर होगा, और टेंस इसमें ये क्या है, तो है के लिए हम क्या लिखेंगे इज, तो ध्यान रखना हम केवल इज एम आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला आएगा, मोस्ट ऑफ तो ये आता है हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, या फिर केवल मैन वर्ब केवल दो टेंसों में, या फिर अगर सेंटेंस सिंपल है उसमें किसी एक्शन का होना नहीं पाया जा रहा, सिर्फ कुछ बताया जा रहा है, रोहित मेरा दोस्त है, आज मौसम बहुत अच्छा है, वह गरीब है अमीर है, इस तरह का सेंटेंस हो, या फिर पास्ट का हो, वह बहुत अच्छा था, तो उसमें सिर्फ इज एम आर वाजवर लगाते हैं, या फिर हैज हैव हैड का यूज किया जाता है पोजेशन के लिए, जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, इस तरह से। इन सारी बातों पर मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, और फिर देखो अब मेरी खास बात, जब मैं सोच रहा हूँ यही बता दूँ यही बता दूँ, ये मेरे साथ सबसे बड़ी कमी है, मैं और लोगों को भी देखता हूँ, वो पता क्या करते हैं, फिक्स करके आते हैं इतना बताना है, सीखे तो ठीक ना सीखे, लेकिन मैं पूरी दम लगा देता हूँ, ये मेरे स्वभाव में, और शायद मैं इसीलिए बोल देता हूँ आपसे मैं सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ो ये आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो का फोकस पता है किस बात पर, इस बात पर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाओ, उसके बाद में पढ़ते रहो, जहां से काम की शुरुआत हो वहीं से आपको टेंस को खोजना है, उसकी इंग्लिश सेकंड नंबर पे आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। तो माय फ्रेंड्स कम, अब देखिए रोजाना मेरे घर, ये अदर वर्ड हो गए, अदर वर्ड के साथ एक खास बात है, ये हिंदी में तो जैसे रोजाना पहले लिख रहा है फिर मेरे घर बाद लिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में ये बैक बैक चलते हैं, रिपीट करूं बहुत काम की बात है, अदर वर्ड दो हो तीन हो चार हो बैक बैक चलते हैं, यानी हिंदी में तो रोजाना मेरे घर, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो मेरे घर पहले आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहोगे साहब मेरे तो एक शब्द है घर, मेरे घर तो कंप्लीट एक ही चीज है ना, मैं कहूँ मेरा घर वो एक ही तो है ना, तो ध्यान रखना मेरे घर मतलब एक ही चीज है। अब खास बात, जब हम किसी स्थान से कनेक्ट होते हैं तो टू प्रीपोजिशन आता है, इंग्लिश इतनी सरल भी नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन भी इसमें होते हैं, तो माई फ्रेंड्स कम टू माई होम, मेरे घर, अब क्या बचा रोजाना डेली, लो इसकी ट्रांसलेशन हो गई। तो मेन फोकस क्या है, माय फ्रेंड्स तो क्या हुआ सब्जेक्ट, कम क्या हुआ टेंस, और टू माय होम डेली क्या हुआ अदर वर्ड। अगला सेंटेंस देखो, तो मैं अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है, सेंटेंस कैसा भी हो हमें तीन चीज पता लगानी है, सब्जेक्ट टेंस और अदर वर्ड सॉरी। तो देखिए किसको पढ़नी चाहिए, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, अच्छी पुस्तकें पढ़ते चलो, पढ़नी जहां पे काम आ जाए वहीं से टेंस शुरू हो गया, पढ़नी चाहिए। अब आप कहोगे
मतलब जो टेंस को जानते हैं सर, टेंस तो 12 होते हैं, उनकी पहचान भी हम जानते हैं, ता है ती है था थे थी ते गा गी गे चुका चुकी पढ़नी चाहिए, ये कौन सा टेंस है। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, टेंस 12 हैं लेकिन पूरी अंग्रेजी 12 टेंस में कवर नहीं होती, सेंटेंस बहुत तरह के हैं। तो इसमें देखिए पढ़नी चाहिए, ये मॉडल वाला सेंटेंस है, पढ़नी चाहिए, हमने किसी को एडवाइस किया, चाहिए चाहिए मतलब शुड। अब देखिए जो हमारे मॉडल्स हैं ना वो थोड़े हैवी हेल्पिंग वर्ब है, वो दो काम करते हैं, टाइम का तो पता बताते ही हैं, वो एक मूड को और बताते हैं एडवाइस। अगर एडवाइस को कौन बताएगा, शुड बताएगा, क्षमता कौन बताएगा, कैन बताएगा, मे पॉसिबिलिटी को बताएगा, तो वो दो काम करते हैं। अभी एग्जांपल से देखो, पढ़नी चाहिए, आप तो ये देखो सब्जेक्ट हुआ, अच्छी पुस्तक है, यहाँ पे ना तो कोई है हूँ है आ रहा है, ना कोई काम आ रहा है, काम पढ़नी, तो टेंस यहाँ से, तो इस पूरे पार्ट की इंग्लिश यहाँ बनेगी। तो पहले इसकी तो लिख दूँ यू, पढ़नी चाहिए, शुड रीड। आपको चलो एक जानकारी दे दूँ, आप बेसिक लेवल पे ही, तो जिस किसी सेंटेंस के अंदर में चाहिए आ जाए तो वहाँ पे उस सेंटेंस में शुड आएगा या फिर मस्ट आएगा। शुड कब आएगा, जब आप जनरली किसी को एडवाइस कर रहे हो भाई तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शुड। लेकिन आपने प्रेशर दे दिया, जोर दे दिया कि तुम्हें करना ही चाहिए तो मस्ट, तो शुड तो नॉर्मली, और अगर जोर देकर बोल दिया तो मस्ट का यूज होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। और एक खास बात, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अगर इस तरह से होता तो फिर ये स्ट्रक्चर बनता है शुड हैव रेड, थर्ड फॉर्म। हालांकि ये रीड 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 तीनों एक ही होती है, लेकिन शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो फिर वो पास्ट हो गया, पढ़ना चाहिए था, तो यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड। चलो लिखने में समझो, तुम्हें अच्छी पुस्तकें लिखनी चाहिए तो यू शुड राइट गुड बुक्स, और लिखनी चाहिए थी तो यू शुड हैव रिटन, मतलब शुड हैव रिटन। तो ध्यान रखना जब पास्ट बनाते हैं तो शुड या मस्ट हैव उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो पास्ट में चला जाता है। अब मैं पास्ट क्यों बोल रहा हूँ, होता है ना टेंस, मॉडल में भी टेंस होता है, मॉडल दो काम करते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस बिना टेंस के तो हो ही नहीं सकता, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसमें देखिए कैन क्या कर रहा है, क्षमता बता रहा है, लेकिन बोल सकता हूँ मतलब प्रेजेंट की बात है। और मैं बोलूँ आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, पास्ट में चला गया ना, बिना वाज वर के बिना रीड के किससे गया, कुड से, तो कुड ने दो काम किए, मेरी पास्ट की क्षमता को बताया कि मैं पढ़ सकता बोल सकता था, एक तो क्षमता बताई किसकी, पास्ट की, और था कहां से आया, था भी कुड से आया और क्षमता भी कुड से आई। ऐसी शुड, अब शुड में देखिए तुम्हें पढ़नी चाहिए, कब की बात है ये, अभी की बात है, मैं कह रहा हूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं कब बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं अभी पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट को भी बता रहा है, मतलब टेंस बता रहा है, टेंस मतलब समय बता रहा है, सेंटेंस में समय कौन बताती है, हेल्पिंग वर्ब बताती है या फिर मेन वर्ब बता देती है, जैसे जिसने बता दिया, तो यू शुड रीड। अब देखो अच्छी पुस्तक है तो गुड बुक्स, अदर वर्ड हो गए, मैं खिचड़ी ज़्यादा ही कर देता हूँ यार, पर कोई बात नहीं, ये मेरे स्वभाव में है, आप पक जाते होगे कई बार, मैं शायद रिपीट भी कर देता हूँ चीज़ों को, बट कोई बात नहीं। देखिए रोहित मेरा दोस्त है, सबसे पहले सब्जेक्ट रोहित हो गया, उसके बाद में टेंस पता करें तो मेरा दोस्त, अब यहाँ पे आना जाना खेलना कुछ नहीं है ना, लेकिन है टेंस है, टेंस का मतलब ही समय होता है, जब मैं टेंस बोलता हूँ तो वहाँ पे समय तो बताएगा और एक्शन भी बताएगा, ये तो बात मैंने आपको भी गोला बना के बताई थी ना, बस ये बात ध्यान रखना, टेंस जहाँ है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ये चीज़ें होती है, अगर मैन वर्ब नहीं है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। तो रोहित, उसके बाद में है के लिए क्या आएगा, इज, रोहित इज मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, बस। तो रोहित सब्जेक्ट हो गया, इज टेंस हो गया, अदर वर्ड माय फ्रेंड हो गया। अब देखिए अगला, अशोक कल मेरे भाई के साथ बाजार गया था, ये थोड़ा बड़ा सा ले लिया, इसमें अदर वर्ड खूब ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब कौन गया था, अशोक तो कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टेंस के पास चलना है, सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं, टेंस मिल जाएगा, अशोक कल मेरे भाई के साथ बाजार टेंस है क्या, नहीं है ना, गया था, जहां से काम शुरू हो गया या फिर जहां से है हूं है था थी थे आ गए वही टेंस है, तो गया था, ये टेंस है हमारा। अब गया था की इंग्लिश क्या बनेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, था थी थे को देखते ही वाजवर को मत सोचा करो हमेशा, हाँ वाजवर आता है अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर सिंपल सेंटेंस हो, जैसे मैं कल खुश था तो आई वाज हैप्पी यस्टरडे, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन ना हो और पास्ट की बात हो, वाजवर आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि जहां था थी थे वहां पे वाजवर ही आएगा, था थी थे के लिए और चीजें भी होती है, जैसे हेड होता है, सेकंड फॉर्म होती है। अभी देखो गया था, तो हाँ मैं आपको फॉर्मूला ही बता दूं ना, वहां भी तो बताया था, गया था, आया था, देखा था, खेला था, लिखा था, अगर ऐसे आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, बहुत सिंपल है। फिर बोलूं, आया था, गया था, देखा था, लिखा था, किसी सेंटेंस के अंत में ऐसे वर्ड आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, यदि नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो फिर डिड,
फिर डिड लगाएंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर डिड से था थी थे बोलेगा। जैसे देखो, अशोक कल मेरे भाई के साथ बाजार नहीं गया था, अब नेगेटिव हो गया ना, तो फिर इसमें डिड का यूज होगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और गया था आया था आए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, था उसी के अंदर होगा। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और ये पास्ट इंडेफिनेट है। अशोक गया था, वेंट, ठीक है, हो गया काम। अच्छा, आपको वाज वर्ब चाहिए। अशोक कल मेरे भाई के साथ बाजार जा रहा था, लिख ही देता हूं, बाजार जा रहा था, टेंस खोजे, बाजार के बाद जाना, क्रिया हो गई शुरू, टेंस हो गया शुरू, जा रहा था, ये पूरा फ्रेज इसकी इंग्लिश बनेगी। तो जा रहा के लिए गोइंग, टाइम नहीं है, टाइम तो क्या है, ये सारी चीजें बता रखी है, जा रहा, आ रहा, खेल रहा, लिख रहा, पढ़ रहा, आ जाए ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, ठीक है, जब भी रहा रही आ जाए तो। उसके बाद था थी ते है तो वाज वर आएगा, है हूं है तो इज एम आर आएगा, ठीक है। लेकिन केवल गया था तो सेकंड फॉर्म आ गई वेंट, तो अशोक वेंट। अब उसके बाद में देखिए, इसमें अदर वर्ड काफी ज्यादा है, उनको देखते हैं। कल मेरे भाई के साथ बाजार, कल मेरे भाई के साथ बाजार। अब देखिए, हिंदी में तो ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन कभी भी इनकी ट्रांसलेशन ऐसे मत करते ना, कल की यहाँ लिख दी, मेरे भाई की यहाँ लिख दी, मैंने क्या कहा, अदर वर्ड्स बैक बैक आएंगे, और उनका संयोजन भी देख लेना कि कौन से ग्रुप में है, जो ग्रुप में वो एक साथ रहेंगे, उनको ऐसे मत करते ना, भाई और मेरे, ठीक है, ब्रदर और माई, माई ब्रदर होता है। तो अब देखिए, इसकी इंग्लिश आएगी पहले बाजार, तो अशोक वेंट, किसी स्थान को जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो टू आता है, तो अशोक वेंट टू द मार्केट, अशोक बाजार गया था, तो बाजार की आ गई, ठीक है। अशोक वेंट टू द मार्केट, अब द क्यों आया, ये पूरी ग्रामर है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम द नहीं लिखते हो तो गलत नहीं होगा, मेन चीज है टेंस, टेंस अगर सही है तो आपका सेंटेंस 80% तक सही माना जाता है, ठीक है। तो अशोक वेंट टू द मार्केट, अच्छा, उसके बाद में के साथ, अब के साथ की क्या होती है, विथ मेरे भाई, अब देखिए भाई मेरे मत करना, विथ माई ब्रदर, और कल की अंग्रेजी क्या होगी, यस्टरडे, बैकपैक चलना है ना, इस तरह से, तो इसकी इंग्लिश बन गई। तो सबसे पहले अशोक कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वेंट कौन हो गया, हमारा टेंस हो गया, उसके बाद में अदर वर्ड में टू द मार्केट विद माय ब्रदर यस्टरडे, इस तरह से हो गया। अब लास्ट है, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो देखिए कौन नहीं जाएगा, वह, तो वह कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया वह, लड़की होती तो सी आता। अब उसके बाद में कल स्कूल नहीं जाएगा, टेंस कहाँ है, जाएगा, नहीं वर्ड कोई टेंस थोड़ी है, जाएगा मतलब जहां से काम की शुरुआत हो गई, और काम नहीं है तो अंत में है, हूं है, थातीते आ गया, वो टेंस है, ये बात इस एग्जांपल में आपने देखी थी। तो वह कल स्कूल नहीं जाएगा, अब जाएगा की इंग्लिश क्या होती है, अंत में जब भी गागी गया जाए तो विल सेल की याद आ जानी चाहिए, बहुत बार बता दिया, फ्यूचर जैसे ही लगे, फ्यूचर कब होता है, जब गागी गाएगा, तो आप किसको लगाओगे, विल सेल को, सेल को मारो गोली, सिर्फ विल से काम चला लो, सभी सब्जेक्ट के साथ विल लग जाता है। तो वह, अब जाएगा मतलब विल गो, ही विल गो। अब एक खास बात, नहीं जाएगा सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो ही विल नॉट गो, इस बात का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट फंसता है, नॉट लगता है, तो ही विल नॉट गो। जैसे देखो, ये सेंटेंस होता है, रोहित मेरा दोस्त नहीं है, तो रोहित इज नॉट, ठीक है, तुम्हें अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, यू शुड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वाली जो हेल्पिंग, सॉरी मॉडल जो होते हैं ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है, लेकिन थोड़ी स्पेशल है, क्यों है, वो मूड को बताती है और टेंस को बताती है, दो काम करती है। तो नॉट कहाँ आएगा, ही, यू शुड नॉट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ही विल नॉट गो। अब कल स्कूल, दो वर्ड बचे, नहीं की अंग्रेजी ले ली, जाने की ले ली, अब कल और स्कूल। अब देखिए, कल पहले लिख रहा है, स्कूल बाद में लिख रहा है, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो स्कूल की पहले आएगी, कल की बाद में, ये बात मैं आपको बताता रहा हूँ, ट्रांसलेशन का यही नियम है कि ये बैक बैक चलती है, ठीक है। तो फिर स्कूल, अब देखिए, जाने के लिए और आने के लिए कनेक्ट होते तो टू लगाते, गो टू स्कूल, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब कल, ये भी कल था, ये रहा ना कल, ये कहाँ, ये रहा कल, इसके लिए क्या लगा, यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे होता है, आने वाला कल टुमारो होता है, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, इसके लिए यस्टरडे मत लगा देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और विल नॉट गो टेंस हो गया, और टू स्कूल टुमारो अदर वर्ड हो गया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको एक रास्ता मिला होगा। सबसे मेन बात है कि आपका टेंस करेक्ट होना चाहिए, और टेंस मिलेगा लास्ट में, तो थोड़ी सी टेंस पर प्रैक्टिस कर लेना। मतलब देख, एक बात बताओ, एक वीडियो से आप सीख सकते हो क्या, अगर इसी वीडियो में पूरी इंग्लिश खोल दूँ, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ सेंटेंस यही होते हैं, सेंटेंस इंपरेटिव हो सकते हैं, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस हो सकते हैं, क्लॉज वाले सेंटेंस हो सकते हैं, सेंटेंस में फ्रेजेस पाए जा सकते हैं, बहुत
लंबी रामायण है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन शुरुआती स्तर में आप अगर ऐसे चलोगे ना तो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम है, वो कमेंट करते हैं सर हम सेंटेंस कैसे बनाए, भैया ऐसे बनाना शुरू करो। देखिए मैं स्टूडेंट्स को खास कहूंगा आपके सेंटेंस में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन टेंस करेक्ट होना चाहिए, टेंस पे कमांड करो, मतलब किसी सेंटेंस में टेंस क्या है, उसका समय क्या है, जो आपने बात बताई जो एक्शन बताया उसका टाइम क्या है, और टाइम को कौन बताती है, हेल्पिंग वर्ब बताती है। जैसे देखिए इसमें तो वर्ब नहीं बता दिया, इसमें शुड ने, मतलब प्रेजेंट की बात है, यही बात पास्ट की होती तो शुड हैव रेड, ठीक है, रीड रेड रेड, अब रेड जो है रीड की तीनों फॉर्म यही होती है, ठीक है। जैसे रोहित इज, टेंस का है इज, ये टेंस है, इसमें ये टेंस है, इसमें यही टेंस इसी के अंदर है। अगर ये नेगेटिव होता, जैसे मेरे मित्र रोजाना मेरे घर नहीं आते तो माई फ्रेंड्स डू नॉट कम, यहां पर क्या आता, मैं लिख देता हूं डू नॉट कम। अब देखिए यहां पे कम तो आने के लिए और डू किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब, समय बता रहा है। अगर डिड होता, नहीं आए थे, जैसे इसमें नहीं होता तो डिड पास्ट बता रहा है। तो मोस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब टेंस बताती है, टाइम बताती है, और वर्ब काम होना बताती है। एक लंबी रामायण है, पिछले वीडियोस मेरे जाकर देख लेना, उनमें बहुत सारी चीज मैंने स्पष्ट की है, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है ना, आप अक्सर कहते हो सर आपकी स्पीड बहुत तेज है, यार मतलब कंट्रोल करता हूं पर बढ़ ही जाती है, मतलब मन करता है ये बता दूं, ठीक है, और ये मेरा प्रयास है ना, ये रंग ला रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी एज इतनी हो गई अब मैं सीखना शुरू कर रहा हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर आपके वीडियो देखकर लगता है कि मैं सीख ही जाऊंगा, तब सुकून मिल जाता है कि स्पीड धीमी है, तेज है, कुछ भी है, चाहे मैं कुछ ही पढ़ाता हूं बट वो काम आ रहा है, मतलब लोग उसका यूज कर रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं, और हाँ तो बीच बीच में बोल रहा था ना ये इस तरह से होता है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में लग रहा होगा क्या क्या चीज है, तो फिर एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे भी है, प्लेलिस्ट में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। हालांकि मैं तो इतना आलसी हूं कि प्लेलिस्ट भी ठीक ढंग से कवर नहीं करता, मतलब मैनेज नहीं करता, लेकिन यदि आपको सीक्वेंस में पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है तो प्ले स्टोर से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप परचेज कर सकते हो, फोर्स नहीं करूंगा, यहां से भी आप काम चला सकते हो, यहां भी मैं पूरी दम लगा देता हूं। तो ठीक है, अब हाँ कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, मतलब आपको कुछ मिला या नहीं मिला, वीडियो पसंद आया या नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।